कोई इसे पीछे से बेचारी को ब्रेजा कह देता है, कोई फ्रंट साइड से जाकर के देखते हो तो कोई इसे किया सोनेट कह देता है, एमजी हेक्टर भी कोई कोई इसे कह देता है। ये देखो भाई किया सोनेट, बड़ी वाली किया सोनेट जा रही है, मतलब भाई गजब स्थिति है। इसका लोग ना ट्रॉल करते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन गाड़ी यार बढ़िया है, गाड़ी में कोई कंप्लेन नहीं है, मस्त गाड़ी है। हेलो भाई, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो भाई आप लोग बताओ क्या हाल चाल है आपके। अपन तो भाई बढ़िया, एक नंबर यार, बस सपोर्ट आप लोग बनाए रखो। और हाँ, कमेंट किया करो यार कौन सी गाड़ी की और आपको वीडियोस देखनी है, उसके ऊपर वीडियो लाया जाएगा। हाँ थोड़ा जो है ना मारुति सुजुकी ब्रांड जो है उन्हें छोड़कर यार, मतलब उसके ऊपर कभी और बात करेंगे यार। उसके वीडियोज आप अपने चैनल पर जल्दी देखते होगे नहीं, मतलब शोरूम के या फिर न्यू कार के नहीं देखते होगे। हाँ कोई ऑनर मिल जाए, कोई बंदा मिल जाए तो ज़रूर उसकी वीडियो शूट कर लेता हूँ, बट उसकी चलो स्टोरी अलग है, कभी और बताएंगे। अब ये जो गाड़ी है जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ अभी, ये टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की बेस से एक ऊपर वाली वेरिएंट है। बेस वेरिएंट आती है जी सेल्फ SLF करके, उसके ऊपर जाते हो तो ये आ जाता है GX, उसके बाद VX, ZX और ZX ऑप्शनल। सबसे टॉप मॉडल में तो भाई फीचर्स अंधे हैं यार, दुनिया भर के फीचर्स टोयोटा ब्रांड वालों ने दे दिया है। बट ये जो है बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट, इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देते हैं टोयोटा वाले, उसके ऊपर बात करते हैं। इससे पहले आपने अपने चैनल पर देखा होगा नॉर्मल इनोवा क्रिस्टा जो आता है डीजल वाला, उसका बेस वेरिएंट, तो उसका ना प्राइस लगभग 19,99,000 रुपए था, मतलब 20 लाख रुपये मान लो। और ये जो है अपना इनोवा हाईक्रॉस का बेस से एक ऊपर वाला वेरियंट, इसका अपने को प्राइस पड़ जाता है 19,45,000 रुपए, मतलब भाई 55,000 रुपए यार उल्टे सस्ता है। लेकिन यहाँ पर देखोगे ना फीचर्स, या बाहर साइड भी लेकर चलेंगे भाई, फीचर्स देखकर कहोगे कि हाँ भाई ये गाड़ी बेस्ट है, उतने पैसे अगर लगाने हैं तो क्यों ना इसी गाड़ी को लिया जाए। वो अलग बात है डीजल और पेट्रोल का लफड़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें आप जान रहे हो इसमें अपने को नॉर्मल पेट्रोल आता है, साथ में एक हाइब्रिड पेट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, और उसमें अपने को डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। जो डीजल लवर है भाई वो तो जाएंगे इनोवा क्रिस्टा की तरफ, और जिन्हें माइलेज वाइलेज फीचर वीचर चाहिए, थोड़ी नई चीज चाहिए, उनके लिए भाई टोयोटा वालों ने ये गाड़ी लाया है। अब आ जाओ, चलो आपको बाहर साइड लेकर चलते हैं, बाहर साइड से दिखाते हैं और गिनाते हैं भाई फीचर्स, आप खुद देखना। अगर नहीं देखा होगा ना इनोवा क्रिस्टा की, तो वो आपको आई बटन पर आ रहे होंगे, वहां पर जाकर के देख लेना, उसके बाद इस गाड़ी की वीडियो देखना, फिर बताना यार कि 50,000 रुपए जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, वो वर्थ इट है या फिर वर्थ इट नहीं है, वो आप हमें कमेंट करके बताना। तो चलो सबसे पहले बाहर साइड चलते हैं, बाहर से ही स्टार्ट किया जाए। कहाँ चले, रियर साइड से या फिर फ्रंट साइड से? चलो रियर साइड से ही आ जाते हैं। रियर साइड में वैसे इस गाड़ी को आप दूर से देखोगे तो ब्लैक कलर आपको देखने में लगेगा, लेकिन जैसे ही पास जाओगे ना तो थोड़ा मतलब क्या कहें, आसमानी टाइप का इसका कुछ नाम है यार कलर का, कंपनी वाले भी ना काफ़ी हार्ड नाम वाम रखते हैं अपने गाड़ियों का कलर का खास करके। तो ये जो है आपके सामने वेरिएंट तो जान गए, दाम वाम भी जान गए, लगभग 19,45,000 रुपये एक शोरूम पड़ जाएगा आपको। पीछे साइड में आपको यहाँ पर इनोवा हाईक्रॉस लिखा हुआ मिल जाता है, वेरिएंट लिखा हुआ नहीं मिलेगा, टॉप मॉडल्स लोगे उन सब में वेरिएंट लिखा हुआ मिल जाएगा। टोयोटा का यहाँ पर लोगो मिल जाता है, नॉर्मली आपने फॉर्च्यूनर इनोवा क्रिस्टा इन सब में देखा होगा कि ये अब आता है क्रोम कलर का, लेकिन ये थोड़ा ब्रश्ड एल्युमिनियम कलर कह सकते हैं, उस तरीके का आ जाता है। पीछे साइड में आपको रियर कैमरा भी मिल जाएंगे, और एक चीज़ तो मुझे समझ नहीं आया भाई, इसमें रियर साइड में पार्किंग सेंसर्स कहाँ कंपनी वाले देते हैं, इसके ऊपर मैं एक बार और बात आपसे कर चुका हूँ, आपको अगर कुछ समझ है तो भाई हमें कमेंट करके बताओ। और दूसरी चीज़ यार, ये जो गाड़ी है ना बहुत ट्रॉल हुई है, कोई इसे पीछे से बेचारी को ब्रेजा कह देता है, कोई फ्रंट साइड से जा कर के देखते हो तो कोई इसे किया सोनेट कह देता है, एमजी हेक्टर भी कोई कोई इसे कह देता है। ये देखो भाई किया सोनेट, बड़ी वाली किया सोनेट जा रही है, मतलब भाई गजब स्थिति है। इसका लोग ना ट्रॉल करते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन गाड़ी यार बढ़िया है, गाड़ी में कोई कंप्लेन नहीं है, मस्त गाड़ी है। तो यहाँ पर आपने देख लिया टेल लैंप जो है मिलता है LED वाला, बाकी इंडिकेटर रिवर्स लाइट नॉर्मल हैलोजन वाला मिल जाएगा। रियर साइड में आपको वाइपर मिल जाएंगे, डिफॉगर नहीं मिलते हैं, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, स्पॉइलर और शार्क फिन एंटीना जो है ये आपको मिल जाते हैं। वो वाला एंटीना नहीं है भाई, वो ना फैक्ट्री का एंटीना है, ये इस गाड़ी का एंटीना है। रूफ रेल्स आपको नहीं मिलेंगे, तो पीछे साइड से बात हो गई। अब आ जाते हैं यहाँ पर,
टैंक कैपेसिटी जो है लगभग 50 से 60 लीटर के करीब का आपको मिलेगा। सिर्फ पेट्रोल का ही ऑप्शन इसमें मिलता है, जैसा कि मैं बता दिया पहले भी। एलॉय व्हील आपको मिल जाएंगे इस वाले वेरिएंट से, मिलने लगते हैं। और एक चीज़ सही है, बेस लो टॉप लो चारों व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक कैलिपर मिल जाते हैं। ये आप देख लो, यहाँ पर कैप अभी लगा हुआ है नहीं, ये आपको पीछे साइड में मिल जाएंगे, फ्रंट में भी मिल जाएंगे। और टायर जो साइज है वो मिल जाएगा 205/65 R16 इंच का, सेम जो है इसका आता है ना इनोवा क्रिस्टा, उसी साइज़ का मिलता है। और ग्राउंड क्लियरेंस 185 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। डोर हैंडल्स, ये सारे चीज़ आपको बॉडी कलर के मिल जाते हैं। इसमें आपको चाबी वाभी मतलब ले जाने का झमेला है यार, लेकिन भाई वो मतलब लॉक अनलॉक करने का झमेला है नहीं, आपको बताते हैं इसके ऊपर थोड़ी देर में आते हैं। कलर देख रहे हो ना, मतलब दूर से देख रहे हो, धूप जहाँ पड़ रहा है ना तो थोड़ा एक्वा टेल कलर जो हुंडई वाले अपने नियोस में कहते हैं ना, उस टाइप की कलर इसमें आपको देखने को मिल रही होगी। बाकी विंडो ग्लास एरिया है बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा, आपको दिखा दूँ। ये चलो इतना सा छोड़ देते हैं, 1, 2, 3, 4 तो भाई यहाँ अपना आ जाता है। ये वाला अगर जोड़ते हो आप तो 1, 2, 3, 4, 5 लगभग आ जाता है, 6, 7, 8, 9 मतलब कितना है यार, बहुत एरी अंदर साइड में केबिन आपको मिल जाता है। ORVM के इस जगह इंडिकेटर मिल जाएंगे, पैडल लैंप आपको नहीं मिलते हैं। और फ्रंट साइड आ जाते हो तो फ्रंट में यहाँ पर जो है ना रिफ्लेक्टर वाला हेडलैम्प मिलता है, लेकिन सारा चीज़ आपको LED मिलेगा। इसकी बात कर लो, इंडिकेटर आपको सिर्फ नॉर्मल हैलोजन वाले मिल जाएंगे, और फॉग लैंप जो चीज़ है वो आपको इसमें नहीं मिलते हैं, DRL भी नहीं मिलते हैं। ये अपना पार्किंग बल्ब जो है नॉर्मल हैलोजन वाला मिलता है, हाई बीम लो बीम अलग अलग मिल जाते हैं। फ्रंट साइड में टोयोटा का लोगो हो गया, ग्रिल हो गया, इसी को लोग भाई सोनेट के नाम दे देते हैं। फ्रंट कैमरा ऊपर वाले मॉडल में मिल जाएंगे। तो इतना सा कुछ चीज़ है, गाड़ी सही है, साइज़ वाइज भी अच्छी खासी आपको लंबी चौड़ी से मिल जाती है। अब आपको दिखाते हैं सबसे पहले इसकी चाबी भी बहुत अच्छी मिलती है। इंजन को कर दिया जाए बंद ताकि चाबी के आपको फीचर दिखा पाऊँ। ये हमने कर दिया भाई गाड़ी लॉक, आपको हालांकि गाड़ी लॉक अनलॉक करने की भी ज़रूरत है नहीं, आप जैसे ही पास जाते हो देखो गाड़ी अभी फ़िलहाल लॉक है, इसके अंदर हाथ डालोगे ना ये भाई अपना हो जाता है खुद से लॉक और अनलॉक। दूर जाऊंगा गाड़ी खुद से हो जाएगी लॉक थोड़े देर में, जैसे कि देखो ये मैंने गाड़ी लॉक कर दिया। ओके, चाबी को मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक अब जाता हूँ। नहीं हो रहा है तो ये जो चीज़ है अपना इस तरीके से काम करता है, मतलब चाबी अपना जेब में रखो सिंपल से, और गाड़ी के पास जाओ, इसके अंदर हैंडल डालो, हाथ डालो, और आपकी गाड़ी अनलॉक होकर आपके लिए हो जाएगी रेडी। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं टोटल हार्ड प्लास्टिक, इस जगह मिल जाते हैं विंडो से रिलेटेड कंट्रोल, सिर्फ ड्राइवर साइड वाला, वन टच अप वन टच डाउन मिलता होगा मेरे ख्याल से, चेक कर लेते हैं इसे। तो ये डाउन तो चला गया, अब भी आ गया, बाकी सारा जो कंट्रोल, ओ भाई साहब पीछे साइड वाला है, बस मुझे लगा ना ये जो डिज़ाइन है इस वजह से, मतलब चारों जो विंडो है वो आपको वन टच अप वन टच डाउन मिलते हैं। ये मस्त है यार, क्या चीज़ बना दिया है यार, सही चीज़ है। फीचर्स ना यार, मतलब फीचर्स जिसे चाहिए वो भाई इस गाड़ी की तरफ जाएगा, उसमें कोई डाउट है नहीं। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं ड्राइवर वाली सीट में हाइट एडजस्टमेंट से रिलेटेड कंट्रोल, स्पीकर मिल जाएंगे गाड़ी में, टोटल आपको 4 स्पीकर्स मिलेंगे। यहाँ पर बोतल होल्डर हो गया थोड़ा सा स्पेस कॉइन रखने के लिए, या फिर इसे आप इस तरीके से पकड़ के अंदर जाने के लिए जैसे यूज़ लेना है ले लो। और इंजन तो है साइलेंट, इंजन अपना स्टार्ट कर ही लेते हैं, हो गया भाई इंजन स्टार्ट। स्टेयरिंग व्हील आपको मिल जाता है नॉर्मल वाला, लेदर रैप्ड नहीं मिलेगा, इसके ऊपर ये कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको इस MID से रिलेटेड, मुझे तो लगा भाई इस इंफोटेनमेंट सिस्टम का होगा, बट इसमें ये जो आप देख रहे हो ये है अपना इस MID से रिलेटेड। और नीचे साइड वॉल्यूम कम करना बढ़ाना, वॉइस कमांड देना हो, बैक जाना हो, बैक वाला जो है ये सारा जो कंट्रोल है ना वो इसका कंट्रोल है। बाकी यहाँ पर आपको मोड से रिलेटेड बटन मिल जाते हैं, ये कौन सा मोड, अच्छा ये अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, वहाँ आप देखोगे चेंज आपको करना है ब्लूटूथ में FM में, जिस चीज़ में आपको यूज़ करना वहाँ से कर लो, ट्रैक बढ़ाना घटाना वो सारा चीज़ यहाँ से कर लो। क्रूज कंट्रोल वाला फीचर इसमें नहीं आएगा, हेडलाइट लेवलिंग कंट्रोल मिल जाता है, ऑटो हेडलैम्प का कंट्रोल, इस साइड आपको वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल मिलता है, और बीच में आपको एक डंडी मिल जाता है। MID जो है इतना सा मिल जाता है टोटल 3 पार्ट में, टैकोमीटर एनालॉग वाला हो गया, स्पीडोमीटर एनालॉग वाला, फ्यूल लेवल इंडिकेटर, इंजन हिट से रिलेटेड वार्निंग, और बीच में एक आपको मिल जाता है डिस्प्ले। डिस्प्ले में इंफॉर्मेशन अच्छे खासे मिल जाते हैं, यहाँ जैसे कि मैं इसे यहाँ से चेंज करता हूँ, ये देखो फ्यूल लो है उसका वार्निंग आ रहा है,
और आगे जाता हूँ तो डिजिटल स्पीडोमीटर आ जाएगा, डिस्टेंस टू एम्प्टी क्या बचा हुआ है, क्या आपका माइलेज दे रहा है पर लीटर 100 किलोमीटर। आगे जाते हो तो फिर ट्रिप डिस्टेंस कितना चला, टोटल टाइम कितना चला, बाहर साइड का टेम्परेचर वेम्परेचर ये सारा सिस्टम इसे मिल जाता है। और ये जो है ना अपना ट्रिप ए ट्रिप बी और ब्राइटनेस आपको मैनेज करना, ओडोमीटर इससे रिलेटेड है। और इस जगह गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है जैसे ये अपना। और दूसरा चीज़ भाई, इसमें सिर्फ ऑटोमेटिक का ही ऑप्शन मिलता है, मतलब आप कम पैसे दे करके ना मैनुअल को भूल जाओगे, ऑटोमेटिक के मजे ले पाओगे। पार्किंग करना है, रिवर्स करना है, न्यूट्रल ड्राइव करना और मैनुअल टाइप में चलाना है तो इस साइड लेके चले जाओ, अदरवाइज आप पार्किंग पे कर दो। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक इसमें मिल जाता है, मतलब पार्किंग जैसे ही जाएगा गाड़ी खुद से ब्रेक लगा लेता है, और जैसे ही आप ड्राइव पर करते हो गाड़ी खुद से ब्रेक जो है वो छोड़ देता है। तो इतना सा चीज़ मिल जाता है। वैसे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक यहाँ पर हो गया, ऑटो होल्ड का कंट्रोल, इको मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, इन सबसे रिलेटेड मतलब फीचर भाई दुनिया भर के मिल रहे हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप भी मिल जा रहा है, मैनुअल एसी का कंट्रोल मिल रहा, ऑटोमेटिक ये चीज़ नहीं मिल रहा अपने को। यहाँ पर यूएसबी चार्जिंग सॉकेट, टाइप सी वाले चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, दो बोतल होल्डर, और ये आर्मरेस्ट है यार, लग रहा है बहुत हैवी से, मतलब दोनों बंदा यूज ले पाएगा। बीच में अंदर साइड में यानी स्पेस भी मिल जाता है। यहाँ पर हो गया 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, थोड़ा सा स्पेस। नीचे साइड में आपको ग्लोव बॉक्स मिल जाता है बड़े से साइज का, और ये 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जा रहा है, चार स्पीकर्स बता ही दिया। ऊपर वाले वेरिएंट पे जाओगे तो ये 10 इंच का लगभग मिल जाता है, 360 कैमरा वैमरा उसमें मिल जाते हैं, स्पीकर्स भी उसमें जाते हैं बड़। मैनुअल वाला IRVM मिल जाता है। यहाँ पर आपका ये जो कंट्रोल है ना, ये SOS से रिलेटेड है यार, मतलब गाड़ी वाड़ी आपकी कहीं बंद हो जाती है तो ये रोड साइड असिस्ट वाला जो है उससे रिलेटेड। डोर आपका, डोर से लाइट ऑन रखना ऑफ रखना वो कर लो, अदरवाइज ये अपना नॉर्मल हैलोजन तो मिलता ही है। सनवाइजर विथ वैनिटी मिरर, सनवाइजर विथ वैनिटी मिरर, तो इतना सा कुछ चीज़ आपको मिल जाता है इस गाड़ी में। अब अगर आप ये वाली वेरिएंट लेते हो तो इसमें आपको दो एयरबैग्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप टॉप मॉडल में चले जाते हो भाई तो वहाँ पर आपको शायद 8-9 जो एयरबैग है उसका सेटअप जाता है मिल। पीछे साइड आते हो तो पीछे साइड का जो डोर ओपनिंग एरिया, हालांकि ये तो पूरा सीधा नहीं खुल रहा है, थोड़ा और खुलना चाहिए था। वैसे इसमें अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर आपको मिलते हैं ये सीट। दूसरा जी, इसका सिस्टम अलग है, जैसे आप इसे पीछे करना है तो यहीं से आप कर लोगे, ये आपको यहाँ पर वैसा कोई चीज़ मिलता है नहीं, और साथ में रिक्लाइन करना तो वो यहाँ से कर लोगे। टॉप मॉडल में जाओगे तो सारा चीज़ इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम मिल जाता है, वैसे स्पेस का कोई कमी नहीं है, अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है। रियर वाला एसी वेंट्स का, मतलब कूलर जो है जो कह ले उससे रिलेटेड मिल जाता है, हाई लो जो आप यूज़ करो वो यहाँ अपना एसी वेंट्स अपने को मिल जाता है। पीछे साइड में बैठ के आप मजे ले पाओगे। स्पीकर हो गया, विंडो से रिलेटेड कंट्रोल हो गया, बोतल होल्डर हो गया, यहाँ पर स्पेस हो गया, इस जगह भी आपको स्पेस मिल जाता है। देख रहे हो पूरा खुला खुला सा लग रहा है ना, पूरा मतलब माहौल जो है वो भाई इस गाड़ी के अंदर बन जाता है। सीट आगे पीछे करने का सिस्टम देख लिया, रिक्लाइन भी करना है तो वो चीज़ भी आप देख लो, ऐसे कर सकते हो आप इसे रिक्लाइन। ओ भाई साहब मतलब ऐसे क्या यार, कब ऐसा टाइम आएगा कि ऐसे सोया रहूँगा, ड्राइवर को बोलूँगा चलो ड्राइवर पन्ना जगह लद्दाख चलना घूमने के लिए। देखो बाकी ड्राइवर वाला सीट में सीट बेल्ट जो है उसमें हाइट एडजस्टमेंट आ जाता है, पीछे वाले पैसेंजर्स में वो सारा चीज़ नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी एसी वेंट्स मिलता है, यहाँ पर भी मिल जाता है, अगर आप रिक्लाइन करते हो तो यहाँ से सीधा एसी का हवा ले पाओगे अपने फेस पे। 4 kg का हुक एक यहाँ हो गया, इस साइड हुक नहीं मिलता है, बदले मैगजीन होल्डर मिल जाता है, यहाँ पर भी मैगजीन होल्डर मिल जाता है भाई। चार्जिंग सॉकेट दो आपको टाइप सी वाले मिल जाते हैं, ये वाला सीट भी आगे पीछे सेम उसी तरीके से होगा, यानी उस साइड मिल जाता है, और यहाँ पर आर्मरेस्ट मिलता है दो बोतल होल्डर के साथ। ये हो गए अपने रीडिंग लैंप जो नॉर्मल हैलोजन वाले मिलते हैं। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए ना आपको 3 हेडरेस्ट मिल जाएंगे, तीनों बंदों के लिए अलग अलग। यहाँ पर आपको मिल जाएगा बोतल होल्डर और सही है यार, मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, जो इनोवा में आपको टॉप मॉडल में भी ये फीचर नहीं आता है। मतलब फीचर्स आप खुद देख करके ना कहोगे कि हाँ भाई बेस्ट गाड़ी है यार, गाड़ी देखकर कोई कंप्लेन है नहीं। अगर इतना पैसा आपको देने पड़े या मुझे खुद भी देना पड़े ना इतना पैसा, तो मैं भाई इसी गाड़ी के पीछे दूंगा, इनोवा क्रिस्टा यार। नहीं भाई मुझे नहीं प्यार डीजल इंजन से, थोड़ी देर के लिए उस प्यार को भाई जाऊंगा भूल। अब आ जाओ यहाँ पर आपको फ्यूल लिड और इंजन का बोनेट ओपन करने का मिल जाता है लीवर, यहाँ तो कोई चीज़ रहा नहीं वैसा आपको बताने को। अब इंजन का क्या बात करूँ, इंजन जो है अपने को 2 लीटर का इसमें मिलता है। ओ भाई ये खुला भी नहीं यार,
इंजन ओपन किया या मैं फ्यूल लीड ओपन कर दिया, बड़ा कंफ्यूजन है जिंदगी में। ओहो लगा ही। यहाँ पर आपको लाइट मतलब रिफ्लेक्टर वाला जो चीज़ है वो मिल जाता है। ये अपना है इंजन का बोनेट, भाई ना खट से आवाज़ तो करना चाहिए भाई। गर्मी अलग हो रखा है यार। यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक स्टड्स नहीं मिलते हैं। ये जो इंजन है अपने को 171 पीएस का पावर और 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क डिलीवर कर देता है। मतलब देख रहे हो यहाँ पर पैडिंग वैडिंग भी नहीं यार, वहाँ पर भी पैडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत साइलेंट इंजन यहाँ पर आवाज़ कर रहा है, लेकिन अंदर साइड केबिन में ना एकदम ना के बराबर आवाज़ जा रहा है भाई। सही है यार, क्या चीज़ है ये। वैसे बिल्ड क्वालिटी इन सब के मामले में इनोवा क्रिस्टा के मुकाबले थोड़ी जो है कमज़ोर कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है मोनोकॉक जो होता है चेचिस उसके ऊपर बनी हुई, और वो जो होता है लेडन और फ्रेम होता है ना नीचे साइड अलग ऊपर साइड से उसके ऊपर, वो चीज़ है, दोनों का अलग अलग सिस्टम है। तो बाकी आप बताओ आपको क्या लगता है 19,45,000 रुपये में ये गाड़ी अगर लेते हो तो कैसी डील लगती है भाई। चलो मिलते हैं जल्दी आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक भाई ड्राइव सेफ, बी सेफ।